व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। और कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। सर, व्यूअर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सर के चैनल को आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं अभिषेक मिश्रा तक्षला के नाम से। और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं इज़राइल और फ़लस्तीन के हवाले से है, जो एक जंग छिड़ी हुई है। आज हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी हिस्ट्री है क्या इस जंग की, और इसका एंड कैसे होगा, और साथ में इंडिया जो है इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, इसके पीछे आखिर क्या रीज़न है। सर, बताइएगा हमारे व्यूवर्स को, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, हम हिस्ट्री यानी कि इसकी, इस जंग की, इस कॉन्फ्लिक्ट की आपको क्या हिस्ट्री, क्या कहना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है कि जो दोनों कंट्रीज जो है वो इतना झगड़ा कर रहे हैं और अटैक पे अटैक हो रहा है, मजलूम लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे बहुत से रीज़न हैं रिबाहा जी, तो उसका यदि आप ऑनेस्ट विश्लेषण करेंगी या ऑनेस्ट एनालिसिस करेंगी तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। मोनोथीज़म के कई प्रकार आए हैं, जिसने जो जब से मोनोथीज़म आया दुनिया में, यानी मोसेस के द्वारा लाया गया इसको, उसके बाद से मोनोथीज़म के तीन सेक्ट निकले। एक आपका निकला जुडाइज्म, दूसरा निकला क्रिश्चियनिटी और तीसरा निकला इस्लाम। तो ये तीनों ही आपस में लड़े, अनफॉर्चुनेट है ये बात, मगर ये सच है कि मोनोथीज़म के जो तीन सेक्ट हैं, जो तीनों मोनोथीज़म में मानते हैं, उन्होंने आपस में इतनी लड़ाइयाँ करी, इतनी जंगें करी जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। एक दूसरे को ये टॉलरेट नहीं कर सकते, एक दूसरे को ये सह नहीं सकते। ये एक प्राइम रीज़न रहा है। और उसके अलावा फिर उसमें कई हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी जुड़ गए, नेशनलिज्म का तड़का भी लग गया। तो ये ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट इतना जो है मेसी हो चुका है कि आप इसको समझने चाहेंगी या किसी एक सिरे को पकड़ के आप उसका अगर सोल्यूशन करने जाएंगी तो सोल्यूशन मिलना है। देखिए, एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि मैं आपके दर्शकों को पहले बता दूँ कि जो हमास ने किया है वो तो किसी भी सभ्य समाज में उसकी जगह नहीं हो सकती। कोई कितना भी बर्बर हो जाए, लेकिन लड़कियों के कपड़े उतार के उनके शरीर पे थूकना, उनको समाज में घुमाना, ये नहीं बर्दाश्त किया जा सकता, नहीं बर्दाश्त किया जा सकता किसी भी तरीके से। वो दृश्य कभी समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आपके ग्रीवियंसेस होंगे मुझे पता है, और मैं सबसे कह रहा हूँ कि इसराइल ने कुछ गलतियां की हैं, पेलेस्टीनियंस की जमीन लेकर के, जो उनको उनका हक था उससे ज्यादा जमीन उन्होंने लिया है। मगर ये जो तरीका है कि आप इस तरीके से म्यूजिक करते हुए बच्चों पे आप गोलियां चला देंगे, म्यूजिक में डांस करते हुए बच्चों पे उनको मार देंगे, आप उनको आप जो है ये क्या नाम है सड़कों पे घसीटेंगे, थूकेंगे, औरतों को नंगा करके नचाएंगे या ले जाएंगे, ये अनएक्सेप्टेबल है। सो हमास ने जो किया वो इंसानियत के नाम पे एक थप्पा है। बर्बरता और सभ्यता, इनमें दो ही अंतर है। सभ्य लोग प्यार की बात करते हैं, वो हिंसा की बात कभी नहीं करते, वो तर्क की बात करते हैं। जो बर्बर होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ हिंसा ही उनके पास हर प्रश्न का जवाब होता है। तो ये आप जो कर रहे हो बर्बर तरीके से, आप इस बात को सॉल्व कर सकते हो इज़राइलीज के साथ मिलकर के कि भाई आप कह रहे हो कि नहीं इज़राइल को एकदम निकालो, भाई कैसे होगा, इज़राइल एक रियलिटी है, मान लो। अब ये भी है कि भाई मैंने कई स्कॉलर्स को सुना कि वो इस्लामिक लैंड है, कैसे इस्लामिक लैंड है, मैंने इंडिया में मुगल जो आए वो तो बहुत अच्छे थे, मुगलों ने भी ऐसा ही जोर किया था, लेकिन मुगल अच्छे थे, वो दूसरों के लैंड पे जाके उनके मंदिरों को तोड़े, उनके उसको तोड़े तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक इस्लामिक लैंड है जो कि वो, चूंकि वो अरबों का लैंड है तो वो इस्लामिक लैंड कैसे हो गया। अगर जीत और विक्ट्री से किसी का लैंड होता है तो फिर उसको, तो यहूदियों ने तीन बार जीता उस जगह को, 1947-48 में जीता, 1967 में जीता, उसके बाद अभी भी वो जीत रहे हैं। तो फिर आप अगर कॉन्क्वेस्ट को आप मानते हो कि वो लैंड हो जाता है किसी और का,
तो फिर आपको तो कोई वो नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये है कि भाई इंडिया में कश्मीर में कभी हम राज करते थे, जबकि कश्मीर का तो हजारों साल पुराना हिस्ट्री है जो हिंदू हिस्ट्री है, आज आप पाकिस्तान को इस्लामिक लैंड बना के बैठे हुए हो, पाकिस्तान की हिस्ट्री इस्लामिक है, पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ, पाकिस्तान के लोग मुसलमान हो सकते हैं, पाकिस्तान इस्लामिक लैंड कभी नहीं हो सकता, आप उसको अननेचुरली बनाना चाहते हो। तो पॉइंट वही है कि आप डबल स्टैंडर्ड करते हो। पैलेस्टाइन के लिए आपका खून रोता है क्योंकि अरबों के लैंड पे कोई और ना चला जाए, जबकि यहूदी भी वही रहते थे, बहुत से मुसलमान जो बने होंगे अरबों में वो यहूदी ही थे। और एक बात जान लीजिए, बिना मोसेस के प्रॉफिट मोहम्मद नहीं हो सकते, बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट है, पहले नहीं है। तो पहला तो प्रॉफिट मोसेस है, मोसेस से लेकर के मोहम्मद तक का सफर है ये जो आपको तय किया गया है। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसराइल एक रियालिटी है, उनके साथ भी प्रोसिक्यूशन हुआ है, और पाकिस्तान को तो इसमें कोई बोलने का हक नहीं है। जॉर्डन में पैलेस्टीनियन ने जो जो अपराइजिंग को दबाने का काम किया था वो आपके पाकिस्तानियों ने किया था, ब्लैक सितंबर की हिस्ट्री आप उठा के देख लें। तो ये कि मुसलमान मुसलमान को माने तो भाई माशाल्लाह वो तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, लेकिन नॉन मुस्लिम के साथ अगर कोई लड़ाई हो जाए तो वो हमेशा से जुल्म है, जाती है, और ये इस तरीके का अजीब सी एक थ्योरी है जिसमें कि लोग फंस के रह जाते हैं। हिंसा किसी भी प्रकार से कंडोन नहीं की जा सकती। इंडिया हमेशा से पैलेस्टाइन के साथ खड़ा रहा, इसराइल के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। इंडिया ने हर जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन में पैलेस्टाइन के फेवर में वोट किया, लेकिन आज जो हमास ने किया है इंडिया उसको कंडोन नहीं कर सकता। इंडिया ने पैलेस्टाइन का साथ नहीं छोड़ा, इंडिया ने टेररिज्म को कंडोन किया है कि आप डांस करते हुए बच्चे बच्चियों पर गोली चला दें, औरतों को आप इस तरीके से करें, परिवार के सामने उनके उनके बच्चों को मार दें, टेरर का ये नंगा नाच करें आप और सोचें कि समाज आपको साथ देगा, कभी नहीं देगा। जी अच्छा सर, आप हमने देखा कि आप जो है इसराइल को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, आखिर इसके पीछे क्या रीजन है ये बताइएगा। और साथ में यूएई की जानिब से भी एक स्टेप उठाया गया, वो भी अब इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्री, हालांकि यूएई इस्लामिक कंट्री है, तो इसके पीछे क्या आप रीजन समझते हैं? देखो रिबाह जी, ये बार बार आप लोग गलत कह रही हैं कि हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। हम टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि पैलेस्टीनियन को उनका हक मिलना चाहिए, उनको उनकी जमीन मिलनी चाहिए, जो उनका हक वाला जमीन है पैलेस्टाइन में वो उनको मिलना चाहिए। पहले आज इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में एग्जिस्ट करना चाहिए। इंडिया की ये पॉलिसी आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगी, पहले ये थी भी। हमने इसराइल का साथ नहीं दिया है, हमने हमास को कंडेम किया है, हम टेररिज्म के अगेंस्ट में हैं। हमने ये कब कहा कि जो इसराइल कर रहा है वो सही है? तो इंडिया इसराइल का साथ नहीं दे रहा, इंडिया पैलेस्टाइन के भी साथ है। हम मानते हैं कि पैलेस्टाइन के लोगों को उनका लैंड मिलना चाहिए और इसराइल को भी वहां पे पीसफुली और सिक्योरिटी के साथ एग्जिस्ट करना चाहिए, ये हमारी पॉलिसी है, मगर हमास का साथ हम नहीं देंगे। हमने टेररिस्ट को कंडेम किया और इस मामले में मैं भी कहूंगा कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूं। टेररिज्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, नृशंस हत्या करना ये समाज नहीं बर्दाश्त करेगा कि जस्ट बिकॉज आपको आप मुसलमान है तो आप उसके नाम पे जो भी करें कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जाति हो रहा है। डबल स्टैंडर्ड इंडिया में करे औरंगजेब तो वो बहुत अच्छी चीज है, उसकी आप हर चीज का आपके पास जस्टिफिकेशन है हिंसा करने की, ये करेंगे तो हमारे साथ ये हुआ था, वो करेंगे तो हमारे साथ वो हुआ था, जबकि पूरी हिस्ट्री गवाह है। आपके ही यहाँ के मौलाना लोग कहते हैं कि भाई इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, तो आप बोलिए कि हिंसा आपका फर्स्ट एंड लास्ट रिजोल्यूशन है, हिंसा के बिना आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। आप दूसरों में कुछ हो तो पहले हम वो हुआ था इसलिए हमने ऐसा कर दिया, पॉइंट ये है कि आपके पास कोई तार्किक जवाब नहीं है तो आप हिंसा का सहारा लेते हो और फिर उस हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए आप बेकार के फॉल्स प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बनाते हो। आप ये बताइए कि इंडिया में ये जो जो चल रहा है क्या नाम है टेररिज्म, जो इंडिया ने फेस किया वो क्यों फेस कर रहा है? कश्मीर क्या इंडिया का नहीं है? इंडिया हजारों वर्षों से इंडिया एग्जिस्ट करता है। पैलेस्टीन को आप अरबियन लैंड मानते हो कि वो अरबों का लैंड है, वो वहां पे हजारों वर्ष अरब रहे हैं तो वहां कोई और नहीं आ सकता, लेकिन इंडिया को इंडिया का हक नहीं है। इंडिया को कोई बोल दे ये हिंदू राष्ट्र है तो आप लोग को आग लग जाएगी कि इंडिया हिंदू राष्ट्र कैसे है। आप जहां आज बैठी हो वो वहां पे इस्लाम का जन्म हुआ था कि वहां मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का जन्म हुआ था? आप किसके लैंड पे बैठे हो? ये इस्लामिक लैंड है पाकिस्तान,
पाकिस्तान को तो आपको बड़ा गर्व होता है हमने तोड़ दिया, तो हिंदुओं को हाय हाय तौबा है, और इसराइल के लिए आपका दुख होता है। ये डबल स्टैंडर्ड ही आपको आपके दुख का कारण है। तो मैं आपसे कहता हूं, हम फिर कह रहे हैं, मैं आपके चैनल पे कहता हूं कि इसराइल को पैलेस्टाइन की जो लेजिटिमेट जमीन है वहां पे पैलेस्टीनियंस को रहने देना चाहिए, लेकिन पैलेस्टीनियंस को भी इसराइल को एक्सेप्ट करना चाहिए। डेथ टू इसराइल इज नॉट अ सोल्यूशन। ईरान के साथ मिलकर आप डेथ टू इसराइल नहीं कर सकते, क्योंकि इसराइल की सिक्योरिटी की गारंटी लेता है अमेरिका। और अब यूएई को देख लें, यूएई ने कंडेम किया, अब क्या यूएई इसराइल का साथ दे रहा है? यूएई ने टेररिज्म को कंडेम किया, हमारे भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेररिज्म को कंडेम किया, और टेररिज्म जिसके अगेंस्ट हम उसके साथ खड़े हैं। बट हमने ये कब कहा कि भाई इसराइल के जो पॉलिसी है ऑक्यूपेशन की वो हम जस्टिफाई करते हैं? हम नहीं जस्टिफाई करते उसको, मगर कोई भी वॉयलेंस कंडोन नहीं कर सकता। पहला वॉयलेंस अगर आप देखेंगे तो 1947-48 में यहूदी जब आए तो इन्होंने शुरू किया, अरबों ने शुरू किया, यूनाइटेड नेशन में अग्रीमेंट होने के बाद ये पीछे गए। दूसरा वार जो हुआ 1967 में फिर उन्होंने शुरू किया, अरबों ने शुरू किया, वो भी वो हार गए। तो ये कि आप एक तरफा पिक्चर देखोगे, आपने यहूदियों का विश्वास कभी जीता ही नहीं, अरबों ने हर प्रॉमिस करके वो पीछे चले गए। तो पॉइंट ये है कि भाई अब जो आप कह रहे हो कि भाई जब आपने टू स्टेट को मान लिया था, एक्सेप्टेंस हो गई थी कि भाई ये इस लैंड पे आके रहेंगे यहूदी, और उनका लैंड है भाई, जेरूसलम का इस्लाम से उतना ही बहुत दूर का रिश्ता है, लेकिन जेरूसलम से यहूदियों का बहुत करीब का रिश्ता है। जेरूसलम को जेरूसलम बनाने वाले ही यहूदी हैं। तो इसलिए थोड़ा सा दिल बड़ा करके यदि आप चीजों को देखेंगे, अब हमने क्या नहीं माना, हमने नहीं माना कि हमारे हाथ से पाकिस्तान चला गया। भगवान राम के शहर का नाम है लाहौर, उनके बेटे के शहर का नाम है, एक हिंदू नहीं रहता, दीपावली नहीं मनाई जाती वहां पे। गुरु नानक देव के, गुरु नानक जी के महाराज के उसमें लोहड़ी नहीं मनाई जाती, वहां पे बसंत नहीं होता, वहां पे आप खिचड़ी नहीं मना सकते, वहां आप पतंगे नहीं उड़ा सकते, गिद्दा नहीं पा सकते, भंगड़ा नहीं पा सकते, पंजाबी नहीं बोल सकते। हमने नहीं एक्सेप्ट किया इसको। ये बताइए, पंजाब किसकी लैंड है? पंजाब गुरु नानक देव जी की लैंड है या पंजाब अरबों की लैंड है? तो खुद सोचिए, आपको को एग्जिस्टेंस की ओर जाना पड़ेगा कि आपने जो जीत लिया तो इस्लामिक लैंड है और बाकियों की कोई लैंड नहीं है। इंडिया में हम कहते कि ये हमारा लैंड है, हमारे पुरखे यहाँ पर थे, जैसे अरबों के पुरखे अरबों में थे, तो ये हिंदू राष्ट्र है, ये गलत है, ये है वो है, लेकिन अरेबिया मुस्लिम्स लैंड है। क्यों भाई अरेबिया मुस्लिम लैंड हो गई? जब आपको इंडिया हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए तो अरेबिया मुस्लिम राष्ट्र कैसे हो गया? डबल स्टैंडर्ड कैसा? दूसरों की जमीन मिल जाए उसको इस्लामिक बना दो, उसमें लोड़ी पाना है, उसमें गिद्दा पाना है, बहुत बढ़िया जी, ओ जी, होए होए होए, लेकिन अपने हो रहा है तो डबल स्टैंडर्ड की, ये तो मुसलमानों की जमीन है। और आपकी जमीन का क्लेम क्या है कि हमने कॉन्क्वेस्ट किया, हमने जीत लिया था, क्योंकि भाई तीन आदेश थे कि या तो हमसे लड़ लो, या तो कन्वर्ट हो जाओ, और या तो जजिया दे दो। ये है तीन इंटेलेक्चुअल का निशानी। तो अब आपने लड़के जो जमीन ली, आप उसको इस्लामिक लैंड करें, उन्होंने भी लड़के ले ली जमीन, तब उनको यहूदी लैंड मान लो ना भाई। अपना प्रिंसिपल तो लगाओ, अपने प्रिंसिपल पे खड़े तो रहो। आपको क्या लगता है कि यूएई और सऊदी अरेबिया क्यों फलस्तीन का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, इजराइल को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? भाई वो फिलिस्तीनियों के साथ में है, यूएई तो, सऊदीया ने तो कहा कि भाई हम चाहते टू स्टेट का पीसफुल सोल्यूशन हो, पैलेस्टीनियन टू स्टेट नहीं चाहते। ये दिक्कत हो गई है क्योंकि उनको किसी ने पढ़ा दिया है जियोपॉलिटिक्स में। यूएई ने भी ये नहीं कहा कि हम टू स्टेट नहीं चाहते, यूएई ने कहा कि ये बार्बरिक टेररिज्म जो हुआ यार, देख के दिल दहल गया, ऐसा आप नहीं कर सकते। इजरायलीज आपकी लैंड ले लेते हैं, लेकिन वो आपके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार नहीं करते कि आपकी लड़कियों को उठा के नंगा घुमा दे और आपके बच्चों के सामने गोली मार दे। आप इजराइल में अरबिक मुस्लिम भी रहते हैं, पूरे सम्मान के साथ रहते हैं, वो नौकरियां करते हैं, वो वहां पे जूस लड़कियों से शादी करते हैं, मुझे पता है। वो आपकी जमीन ले लिए तो आप ऐसा करेंगे कि उनको बीच रास्ते में आप उनका बच्चे, वो जो दुनिया भर के लोग घूमने आए हैं, टहलने आए हैं, उनको गोलियां मार देंगे? 200-250 लोग को एक साथ गोली से भून देंगे आप?
एक जर्मन लड़की को उठाया, उसके कपड़े खोल के थूक रहे उसके ऊपर, उसका क्या गलती है? इसको इसको कंडोन कर दें हम, क्योंकि इसराइल ने आपकी जमीन पर हड़पा हड़पा हुआ है, जमीन तो कईयों की कई लोगों ने हड़पी हुई है। तुर्की जो आज तुर्की है, जो जो सेंट्रल एशियंस हैं, वो तो यूरोप के लैंड पे बैठे हुए हैं। यूरोप कर रहा है ऐसा उनकी औरतों के साथ, उनके बच्चों के साथ कि खाली करो। ये एनाटोलिया है ना, एनाटोलिया तो ग्रीस का पार्ट हुआ करता था ना, इधर टर्क जाकर के जीत लिए उसको, तो तुर्की इस्लामिक राज से तो उस पर बगुले बजा रहे हैं आप दूसरों की जमीन छीन लो तो वाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह, जजाकल्लाह जजाकल्लाह, और आपकी कोई ले ले तो हराम का पिल्ला, ये कैसे चलेगा? डबल स्टैंडर्ड से नहीं चलेगा काम आपको। तो यूएई और सऊदी अरेबिया का मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने एक सेंसिबल लाइन ऑफ अप्रोच ली है। पाकिस्तानियों का तो कुछ नहीं है, उनका अपना कुछ है ना, उनको अपनी धरती से प्यार है ना उनको अपने रिलीजन का कुछ पता है। उन्होंने खाली नाम पे इस्लामिक उम्मा के नाम पे, इस्लामिक उम्मा के नाम पे उन्होंने अपने आप को भी बेच दिया है। लेकिन काबिल तारीफ है सऊदी अरेबिया और यूएई के जो रूलर हैं, उन्होंने दिखा दिया ये है प्रोग्रेसिव फेस ऑफ इस्लाम, दिस इज प्रोग्रेसिव फेस ऑफ इस्लाम जो शेख अल जायद बिन अन्नहयान कर रहे हैं। वो आधे ले जाना चाहते हैं अपने समाज को। आपका आपका आपकी आपकी सोसाइटी में तो खैर दम ही नहीं है। आप तो अभी भी गोश्त खा लिए तो हम ताकतवर हो गए, हम गोश्त खा के 3456 बच्चे पैदा करके या जज्बा काले झंडा गाड़ देंगे और हम इस्लाम का वो फतेह कर देंगे और ये इसी में हो आप। गोश्त खाओ बच्चे पैदा करो, गोश्त खाओ बच्चे पैदा करो, इस्लाम की सेवा हो रही है इससे। ये आपके यहाँ के लोगों का इंटेलेक्चुअल वो है, क्या करना है, गोश्त खाना है और बच्चे पैदा करना, इससे इस्लाम की सेवा होगी। पढ़ाई लिखाई से नहीं होगी, अच्छे इंसान बनने से नहीं होगी, दूसरों से नफरत करने से होगी। लेकिन आप यूएई से सीखिए, वो है इस्लाम, प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव। उन्होंने हमास को कंडेम कर दिया, आप करेंगे हमास को कंडेम? कश्मीर इस्लामिक लैंड है, किस हिसाब से इस्लामिक है? क्योंकि वहां के लोग मुसलमान हैं। हिस्ट्री नहीं है इंडिया की, वहां पे इस्लाम मुश्किल से 800 साल पहले आया, 800 साल पहले से वहां कुछ नहीं होता था, वहां के लोग हिंदू थे, वहां पे मंदिर हैं जो आज भी खड़े हैं वहां पे, वो मंदिर गलत हो गए सब, सिर्फ उसकी इस्लामिक इतिहास आपको मतलब रहेगी। क्या कहें, दिल रोता है और कुछ कुछ होता है। अच्छा सर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसका आप हल देख रहे हैं, इस जंग को खत्म होते हुए देख रहे हैं आने वाले टाइम में? नहीं होगा इस हल जब तक पैलेस्टीनियंस सबक नहीं लेंगे। हालांकि आज ईरान ने भी पल्ला झाड़ लिया, ईरान ने कहा इससे हमारा कोई लेना देना, क्योंकि उनको पता ये बहुत बुरा हुआ है जिस तरीके की घटना हुई, उसमें थाई मारे गए, नेपलीज मारे गए, अमेरिकन मारे गए। क्या गलती थी उन लोगों की? एक म्यूजिक पार्टी चल रही थी, लोग उसमें जो भी कर रहे हैं उनकी जीवन है, उनको जीने दो। और उठ रहे पैराशूट से थर 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 थर, ये ठीक लगा आपको रिभा जी? एक जर्मन बच्ची के कपड़े उतार के उसके थूक रहे हो उसके ऊपर, उसको उसको पैर से अपने शरीर को दबाए हुए हो, उसको उसके अंडरगारमेंट्स में वो पड़ी हुई है, ये ठीक लगा रिभा जी आपको? परिवार के सामने उसके बच्चों को मार दिया और ये ठीक लगा क्योंकि वो हैं? आपकी जमीन जरूर लेते हैं यहूदी, मगर आपके साथ मिसट्रीटमेंट नहीं करते कभी। वो एक तरीका है, सलीका है, बात कीजिए आप उनसे, टू स्टेट को एक्सेप्ट कीजिए, इसराइल को रहने दीजिए और आप भी रहिए वहां पे। लेकिन हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, टॉलरेंस नहीं है, ये प्रॉब्लम की जड़ है। यूएई और सऊदीया के रास्ते पे जाइए, सऊदीया और यूएई ने मार्ग दिखा दिया। मैं तो हैट्स ऑफ है भाई, शेख अल जायद बिन नहयान साहब को मेरा हैट्स ऑफ है, दिस इज कॉल्ड लीडर। मोहम्मद बिन सलमान को भी मेरा हैट्स ऑफ है, ही इज अ विजनरी लीडर। ये लोग हैं इस्लाम का फेस,
प्रोग्रेसिवनेस को ले जाना चाहते हैं, समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको डिसाइड करना है आप क्या करना चाहती हैं। ना आपका कोई ज्ञान बदल, ना आप समय में अटके हुए हो यार, 300-400 साल पहले किसी ने आपको 2-2, 3-3, 4 कुछ आर्ग्यूमेंट समझा दिया, वही आर्ग्यूमेंट आप रटे जा रहे हो, अपनी बच्चों में भी नफरत फैला रहे हो। हर चीज का इतना ओवर सिंप्लीफिकेशन है कि आपके आपके लोगों से बात करने से पहले सीने में और पेट में गैस टाइप की फीलिंग होती है। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, डकार नहीं आती मुझे, आप समझ रही हैं? जी सर, समझ गए मैं सब। सर, इन पर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? इन पर यही मैसेज देंगे, रिभा जी, प्रेम कीजिए, आपस में मिलजुल के रहिए, सब इंसान हैं, मजहब पर्सनल अकीदा है, हमको एक दूसरे को मजहब के चश्मे से मत देखिए, हम सब एट द एंड ऑफ द डे मानव हैं, मानव से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है, मानव से बढ़कर कोई जात नहीं, मानव से बढ़कर कोई वो नहीं। एक इंसान का दूसरे इंसान से क्या होना था, भाईचारा भाईचारा, प्रेम का संदेश सबसे। शेख अल जायद बिन नयान से सीख लें, मोहम्मद बिन सलमान साहब से सीख लें, उनका हाथ मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग रास्ते पे जाएं, डबल स्टैंडर्ड न लाएं और हिंदुस्तानियों से नफरत न करें। बहुत शुक्रिया सर आपका। व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।